वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और सीटेट यूपीटेट में 100% सफलता पाने के लिए ये जो सेपरेट में सभी सब्जेक्ट की सीरीज चला रहा हूं, तो हिंदी के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 लेकर मैं आया हूँ। इसके पहले मैंने आप लोग को 3 पार्ट दिए हैं, तो यदि आप वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आ गया है और 16 सेप्टेम्बर जो सीटेट की परीक्षा होनी थी वो नहीं हो पाई, मतलब नहीं होगी 16 सितंबर को। अब ये परीक्षा जो है अक्टूबर में हर हालत में हो जाएगी। अगर बहुत जल्दी करते हैं तो ये बात मान के चलिए कि लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर में तो परीक्षा सीटेट की होनी होनी है, और साथ ही साथ यूपी टेट की भी परीक्षा जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होनी है। इसलिए आप जो है अब अपनी तैयारी को गति दीजिए जिससे आप जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं सीरीज स्टार्ट करता हूँ, और सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप सीटेट यूपी टेट राजस्थान टेट बिहार टेट किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में या किसी भी यूपी टेट या राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पैसे जाते हैं, सीटेट में 2 पैसे जाता है, तो इसमें 1 पैसा है आपका नए समाज के लिए नए जवान हैं, नवीन योजना लिए नया बिहान है, इसी प्रकार ये पूरा पैसेज है। तो पैसेज पे आधारित आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पैसेज वाले क्वेश्चन को ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, बाकी और क्वेश्चन को जो है डिस्कस करके हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला है, इसमें नया बिहान का अभिप्राय क्या है? आप पैसेज में जाइए, वहाँ देखिए नया बिहान किससे संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है कि नए समाज के लिए नए जवान हैं, नवीन योजना लिए नए बिहान हैं, यानी तरीके से कुछ नयापन से संबंधित बात कह रहा है। और ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। ऑप्शन है नया देश, ऑप्शन बी है नया युग, ऑप्शन सी है नई सभ्यता, और ऑप्शन डी है नई संस्कृति। तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, यानी नया युग हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया बिहान देश में क्या लाया है? तो ऑप्शन ए नई रोशनी, ऑप्शन बी अंधकार का विनाश, ऑप्शन सी नए आविष्कार, और ऑप्शन डी योजनाएं। तो देख लेते हैं कि क्या चीज़ लाया हुआ है नया बिहान। तो पैसेज में हम लोग जाएंगे और देखेंगे नए समाज के लिए नए जवान हैं, नवीन योजना लिए नया बिहान है, यानी नया बिहान जो है नवीन योजनाएँ लेकर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नवीन योजनाएँ से संबंधित जो है ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है, इसलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। और हमारे कुछ यूट्यूब मेंबर ने कहा हुआ था कि आप क्वेश्चन को जो है मार्क कर दिया करिए, यानी जो आपका सही जो क्वेश्चन का सही आंसर हो। तो एक कोशिश में ये भी स्टार्ट किया हूँ आप लोगों के कहने से, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक पे ही मेरे सारे वीडियो डिपेंड करते हैं, आपके लाइक पर डिपेंड करता है, आपके कमेंट पर डिपेंड करते हैं। आप लोग जैसा ही आदेशित करते हैं उसी प्रकार मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ हमारे यूट्यूब मेंबर मैथ और साइंस के भी वीडियो मांग रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और इन्वायरमेंट के लिए कह रहे थे, तो इन्वायरमेंट की इस टाइम में NCERT बेस्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज चला रहा हूँ, तो आप उसे देखिए, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। और फिर भी मैं एनवायरनमेंट की भी कुछ सीरीज आप लोगों को दूंगा, तो फिलहाल अभी ये सब्जेक्ट जो चल रहे हैं इन्हें चलने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशवासियों में अलगाव की समाप्ति का उपाय है? ऑप्शन ए पारस्परिक मेल मिलाप, ऑप्शन बी वैचारिक समानता, ऑप्शन सी प्रांतीय एवं क्षेत्रीयता की समाप्ति, और ऑप्शन डी उन्नत के समान अवसर। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी देशवासियों में अलगाव की समाप्ति का जो उपाय होगा वो वैचारिक समानता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को गर्व है, यानी भारतीयों को किस चीज़ पे गर्व है? ऑप्शन ए भाषा का, ऑप्शन बी राम राज्य का, ऑप्शन सी भुजाओं के बल का, और ऑप्शन डी एकता का। तो पैसेज में जाके आप देख सकते हैं, कहीं आप लास्ट से संबंधित होगा यहाँ पे ये। तो प्राण उमंग सशक्त नौजवान, और फिर आप यहां देख सकते हैं, हम भाई भाई हैं, अलग नहीं हैं कभी, एक मानव जात की संतान हैं सभी, यानी एक तरीके से एकता से संबंधित यहां बात कह रहा है। तो भारतीयों को किस चीज़ का गर्व है? ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा एकता हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम राज्य का अर्थ क्या है? तो राम राज्य का अर्थ ये होता है कि सभी लोगों के लिए सुखी से संबंधित कोई वर्ड ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है इसमें सबको समान सुख, ऑप्शन बी वैचारिक संपन्नता, ऑप्शन सी शैक्षिक शक्ति, और ऑप्शन डी संपन्नता। तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सबको समान सुख राम राज का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब देखिए पैसा से आधारित क्वेश्चन खत्म हो गया, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक तरीके से डिस्कशन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 106 क्वेश्चन नंबर है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक तरीके से भाषा के कौशल हैं। ये एक सीरीज क्रम में दिया है, कभी कभी सीरीज भी पूछ लेता है कि भाषा कौशल का जो है या भाषा सीखने का क्रम कौन सा होता है। तो पहले इंसान सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये क्या चीज़ है। ऑप्शन ए भाषा के कौशल, ऑप्शन बी भाषा के तत्व, ऑप्शन सी भाषा के घटक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 106 का जो सही आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या है, भाषा के कौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाचन के प्रकार हैं। ऑप्शन ए शाश्वर वाचन, ऑप्शन बी मौन वाचन, ऑप्शन सी अध्ययन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वाचन जो है शाश्वर वाचन भी होता है, मौन वाचन भी होता है और अध्ययन भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली और ऑप्शन डी पंजाबी। तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पंजाबी जो है हिंदी भाषा की बोली नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेसरी प्रणाली का आधार नहीं है, यानी मॉन्टेसरी पद्धति का जो है आधार नहीं है। ऑप्शन ए आत्म शिक्षा, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा और ऑप्शन डी अनुकरण। तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुकरण जो है वो मॉन्टेसरी प्रणाली का सही आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्याख्यान प्रणाली का भेद नहीं है, यानी व्याख्यान प्रणाली का जो है इसमें से कौन सा भेद नहीं, यानी प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए व्यास प्रणाली, ऑप्शन बी तुलना प्रणाली, ऑप्शन सी समीक्षा प्रणाली और ऑप्शन डी नाट्य प्रणाली। तो 110 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी व्याख्या प्रणाली का भेद जो है नाट्य प्रणाली नहीं है, यानी नाटक करके जो सिखाया जाता है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना लिखाना वाक्यों से शुरू करना चाहिए। ऑप्शन ए जेकार्टर प्रणाली, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी प्रणाली, ऑप्शन सी किंडरगार्टन प्रणाली और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी जेकार्टर प्रणाली जो है उसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना लिखाना वाक्यों से शुरू करना चाहिए। यानी जेकार्टर प्रणाली जो है वो ये कहती है कि बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई वो वाक्यों से पढ़ाना लिखाना करके शुरू करना चाहिए, यानी वाक्यों को पढ़ाना चाहिए लिखाना चाहिए और उसके अनुसार जो है उनकी पढ़ाई इसी के अकॉर्डिंग शुरू करनी चाहिए। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवाद को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में और ऑप्शन डी 5 भागों में। तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी अनुवाद को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि दृश्य श्रव्य साधन वे साधन होते हैं, यानी शिक्षण अधिगम के वो साधन होते हैं जिनके द्वारा चीज़ों को दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है और सुनने और देखने के माध्यम से हम सीखते हैं। तो इसमें से कौन सा साधन है जो दृश्य श्रव्य साधन है। ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी मूक चित्र, ऑप्शन सी चलचित्र और ऑप्शन डी चित्र विस्तारक। तो 113 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी चलचित्र जो हैं वो दृश्य श्रव्य साधन के जो हैं उदाहरण हैं। तो आंसर सी सही हो जाएगा इसका, चलचित्र हो जाएगा। चलचित्र के अंतर्गत वो साधन आते हैं जिनमें कोई फिगर वगैरह चला करता है और साथ ही साथ उससे संबंधित आवाज़ भी आती है, यानी कि जैसा कि आपका कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ये सब जो है दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ टेप रिकॉर्डर, तो ये सिर्फ श्रव्य साधन हो जाएगा। मूक चित्र जो हो जाएगा यानी कि सिर्फ दिखाई ही पड़े वो श्रव्य साधन हो जाएगा, और चित्र विस्तारक जो हो जाएगा यानी OHP जो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र दर्शक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए श्रव्य सहायक सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चित्र दर्शक यंत्र जो है किस प्रकार की
सहायक सामग्री है, इसका सही आंसर हो जाएगा 114 का बी सही हो जाएगा, यानी दृश्य सहायक सामग्री है। इसमें जो रहेगा सिर्फ चित्र को ही देखा जा सकता है, इसमें और प्रकार की कोई किसी प्रकार की आवाज़ वगैरह नहीं आती है, इसलिए सिर्फ दृश्य सहायक सामग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन बिंदु पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, यानी तीन बिंदु जो हैं, थ्री पॉइंट जो हैं पाठ्य पुस्तक की विशेषता हैं, कौन कौन से? ऑप्शन ए अति निकृष्ट, ऑप्शन बी औसत, ऑप्शन सी निकृष्ट और ऑप्शन डी अति उत्तम। तो 115 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, यानी तीन बिंदु पाठ्य पुस्तक की विशेषता औसत है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो और लिखो शिक्षण विधि मुख्यतः किस रचना में प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन ए निबंध रचना में, ऑप्शन बी संवाद रचना में, ऑप्शन सी उपन्यास रचना में और ऑप्शन डी पत्र रचना में। तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी कि देखो और लिखो शिक्षण विधि जो है मुख्यतः निबंध रचना में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि उपलब्धि मापन की नहीं है, यानी कौन सी ऐसी इसमें से मेथड जो है जो उपलब्धि मापन का नहीं है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी लक्षण मिलान, ऑप्शन सी साक्षात्कार और ऑप्शन डी प्रश्नावली। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लक्षण मिलान विधि जो है वो उपलब्धि मापन की विधि नहीं है, यानी उपलब्धि का मापन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी विवरणात्मक प्रश्न और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 118 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। ऑप्शन ए बी एस ब्लूम, ऑप्शन बी रॉबर्ट मेगर, ऑप्शन सी आई के डेविस, ऑप्शन डी स्टीफन यम कोरे। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी स्टीफन यम कोरे जो हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए किए जाने वाले शिक्षण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 120 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बच्चों को सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, अगर ऑप्शन ए की मैं बात करूँ तो माइक्रो टीचिंग होता है, इसमें जो ट्रेनिंग लेते हैं, आप लोगों ने ट्रेनिंग जब ली होगी बीएड या बीटीसी या कोई भी अगर ट्रेनिंग आपने लिया होगा तो वहाँ पर पहले माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, जो कि स्टार्टिंग में 6 मिनट की होती है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ा करके 36 मिनट का कर दिया जाता है। और माइक्रो टीचिंग से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग किसकी देन है या कौन लाया था माइक्रो टीचिंग, या माइक्रो टीचिंग के प्रवर्तक कौन हैं? तो DW Allen महोदय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सीरीज के ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आई होप आपको ये सीरीज जरूर अच्छी लगी होगी, तो कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, जिससे ये रहेगा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी से मिल सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।